बस अब हम और प्रतीक्षा नहीं कर सकते झुंझार सिंह की। हमारी विशेष टुकड़ी को भेजो और पता लगाओ कि कहां है झुंझार सिंह। राजद्रोही को पकड़ने गए थे, पकड़ा या नहीं? हुकुम। कैसा अभद्र परिहास है, हमारे विशिष्ट सैनिकों की यह दशा किसने की? किसने किया है यह दुस्साहस? झुंझार सिंह कहां है? झुंझार सिंह, जब हम कोई प्रश्न पूछे तो त्वरित उत्तर की अपेक्षा रखते हैं। मुंह खोले अन्यथा यहीं पे गर्दन काट देंगे। वो क्या? झुंझार सिंह को वीरगति प्राप्त हो गई। अर्थात मारा? किसने मारा उसे? झुंझार सिंह को किसने मारा? किसने मारा झुंझार सिंह को? हुकुम, वो अति तीव्र गति वाले घोड़े पर बिजली की गति से आया था और सारे नागरिक उसे सखावीर सखावीर पुकार रहे थे। सखावीर? क्या देख रही महाराज साहब? यही कि इतने दुख, इतने बलिदान के बाद भी आपके मन में राष्ट्र प्रेम की भावना अभी तक दृढ़ है, ना स्वयं को लेकर कहीं कोई गड़बड़, ना भाग्य को लेकर कहीं कोई चिंता। तभी तो आपके आसपास रहने वाले लोगों के लिए आप प्रेरणा का केंद्र बनी हैं। जब हमने हमारे पुत्र का बलिदान दिया तब अचानक हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आ गई, हमें सोचने समझने का समय ही नहीं मिला। हमारे सामने हमारा कर्तव्य था मेवाड़ के भविष्य को बचाना, किंतु महारानी साहब, आपने तो अपने पुत्र को पल पल मृत्यु से खेलने की अनुमति दी है। इसे कहते हैं निस्वार्थ प्रेम। इतना तो हमें करना ही था बनाते, अन्यथा इतिहास हमें एक ऐसी मां के रूप में याद रखता जिसने अपने बेटे को अपने निजी स्वार्थ के लिए अपने आंचल में छुपाकर बचा लिया, किंतु मेवाड़ की प्रजा का ध्यान नहीं रखा और ना ही राजपुताने की आन बान और शान के लिए अपने पुत्र को समर्पित किया। हमने आपको कहीं देखा है पन्ना दाई? कौन है ये? ये हमारी पुरानी पहचान की है। तुम जाके सबके भोजन की तैयारी कर लो कृष्णा। क्यों? हम क्यों बनाएं भोजन सबके लिए? वो प्रताप कब काम आएगा? कृष्णा, तुम सेवक प्रताप की बात कर रही हो ना? हाँ, और कौन प्रताप है यार? अब कोई प्रताप तो आएंगे नहीं ना यहाँ हम सबके लिए भोजन बनाने। कृष्णा, कुंवर प्रताप के बारे में इस तरह से बात नहीं करते, जाओ यहाँ से। और पन्ना नहीं, वो सखावीर? देखो वो भी तो जा रहे हैं। हम चलते हैं पन्ना। महारानी साहब, सीमा चौकी तक हम आपका साथ देते हैं ताकि कोई आपको पहचान ना ले। आप तलाटे के लिए वापस निकल जाएं। चलिए।
सारंग सारंग सारंग, देखिए अगर आप हमारे सहयोग नहीं करोगे तो फिर हमारे अभियान के पहले चरण में ही हम असफल हो जाएंगे। ओह, तो अब समझे हम, इन सारी उठापटक में हमें आपको प्यार से सहलाना याद ही नहीं रहा। ये लो, इसीलिए इतना इतरा रहे थे ना आप। सारंग, नहीं, यहाँ किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप यहाँ हैं, ठीक है? प्रताप, 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 कहाँ चला गया ये मूर्ख? प्रताप, 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 अब तो पन्ना दही और सबको बताना ही पड़ेगा, कहीं भी नहीं दिख रहा है ये प्रताप। कौन है वहां? कौन है? ओह, तो आप हो कृष्णा, आपने तो हमें डरा ही दिया था। चलो अब बाहर आ जाओ। ये छोटा सा चाकू, इससे करोगे तुम अपनी रक्षा? ये हमें पता है ये कहाँ जा रहा है। ये वहीं जा रहा है जहां सखा वीर ने झुंझार को फांसी पर लटका रखा है। चलो चलो सब मोक्ष वृक्ष के पास चलो, चलो 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 सब मोक्ष वृक्ष के पास चलो, चलो बना दे। चलो चलो हुकुम राव सुरतन, आप सबसे कुछ महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं। सभी नागरिक मोक्ष वृक्ष की ओर चलेंगे। चलो आओ, चलो 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 चलो। महारानी साहब, इस वक्त सीमा चौकी पार करना सुरक्षित नहीं है। सुरतन के सैनिक चारों ओर फैल चुके हैं। यदि इस समय आपको किसी ने पहचान लिया तो केवल मेवाड़ के लिए नहीं प्रताप के लिए भी समस्या खड़ी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें पन्ना भाई? जब तक यहाँ की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती आप आइए मेरे साथ। आप हमारे घर में छिप सकती हैं। आइए आप। नीचे उतारो इसे।
तो यही है वो फंदा। जी बावड़ो हो गए हो। हुकुम, मैं अभी इसे यहां से हटा देता हूं। नहीं, नहीं। मरासन लाया जाए। सुन नहीं है। आप लोग सब यूं मुंह लटकाए क्यों खड़े हैं? हंसिए, उल्लास मनाइए, आनंद मनाइए। बूंदी राज्य के इतिहास में प्रथम बार ऐसा हुआ है जहां पे प्रजा ने राजा की अवज्ञा करने का साहस किया। जी बावड़ो हो गए। हंसिए हंसिए, इसलिए कह रहे हैं कि उत्सव मना लीजिए, आनंद मना लीजिए, क्योंकि आज के बाद कदाचित ये अवसर आपके जीवन में आपको प्राप्त हो ना हो, क्या पता। मदिरा लाइए। जी बावड़ो हो गए। आज के बाद आपके विलाप का आरंभ होगा। विलाप का आरंभ कहां से करें हम? आप बताएंगे या हम बताएं? हम बताते हैं। इस फंदे से, इसी फंदे से हमने उस देशद्रोही संथाल को लटकाया था। फड़ 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 फड़क रहा था। उसके पैर यूं 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 तड़प रहे थे और आवाज अवसर है उससे भी अधिक आनंददायक दृश्य देखने का। हमें नहीं पता था कि हमारी बूंदी की प्रजा इतनी मूर्ख है। फेंका तो भी कौन सा पत्थर? लाल पत्थर। लाल पत्थर जिसने भी फेंका उसकी हथेली भी लाल होगी। सिपाहियों, जाओ पता करो किसकी हथेली लाल है, और जिसकी भी हथेली लाल हो उसे मेरे समीप यहाँ पे लाया जाए। हाथ दिखाओ अपना, हाथ दिखाओ अपना, हाथ दिखाओ अपना, हाथ दिखाओ अपना, हाथ दिखाओ। और हाँ, प्रजाजनों, प्रिय प्रजाजनों, कृपया अपनी हथेली को रगड़ने का प्रयत्न ना करें, क्योंकि आपसे अधिक चतुर मैं हूँ। दृष्टि है हमारी आप सब पर। कोई चतुराई नहीं। अब क्या करूं मैं? मैंने मारा है। मैंने फेंका है, ये देखो।
हो, बुढ़िया पन्ना दाय तुम हो जिसने पत्थर फेंका था। दंड मिलेगा तुम्हें, अवश्य दंड मिलेगा। बुढ़िया को हमारे सामने ले आ जाए। मैंने फेंका। जानते हैं, हमें इस बात का ज्ञान है कि आप सब में इतने साहस का जन्म कैसे हुआ। सखावीर के कारण। कदाचित आपको इस बात का ज्ञान नहीं है कि उस सखावीर का हम क्या करने वाले हैं। आप बताएंगे या हम बताएंगे? हम बताते हैं। उस सखावीर को हम बंदी बनाएंगे, सखावीर को भी इसी फंदे से लटका कर मारेंगे हम। यू जिस तरह से जुंजार को लटकाया था, बेचारा फड़फड़ मरा था। महाराज की पगड़ी लाओ। हेलो, पगड़ी कहाँ है हमारी? हमारी पगड़ी? हंसना बंद करो। किसने ये दुस्साहस किया है हमें लटकाने का, बताइए, वरना आप सबको लटका देंगे हम। किसने किया है ये दुस्साहस? महाराज, ये तीर में संदेश भी है। पढ़ो। अपना चाल चलन सुधार लो, नहीं तो मेरा अगला तीर तुम्हें भेजेगा सुरतार सिंह सखावीर। अब समझते हैं कौन है तुम्हारा सखा, जो इतना है वीर, इतना ही वीर पुरुष है वो, तो कायरों की तरह छुप क्यों रहा है, क्यों हमारे सामने नहीं आ रहा? बताओ कहाँ है वो, बताओ। हमें खोज रहे हो ना तुम? No!